जैन परंपरा में होली कतई मनाई नहीं जाती, कोई रंग नहीं खेला जाता। इस मामले में मारवाड़ियों की बजाय गुजराती लोग समझदार हैं, क्योंकि वे साधु साध्वियों के सानिध्य में रहे हैं। मारवाड़ियों का दिमाग अभी भी ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि वे साधु साध्वियों से दूर रहे हैं। और इसीलिए गुजराती लोग जैसे ही ये होली वगैरह आती है, कहीं बाहर तीर्थ यात्रा को निकल जाते हैं, होली नहीं खेलते, वे होली नहीं अपनाते। उन्हें पता है कि इसे मिथ्यात्व का दोष लगता है, ये जैन परंपरा के अनुसार मान्य नहीं, ये हमारी सामायिक को प्रतिक्रमण को जाप तप को धोने का प्रयास हो जाएगा। अगर हमने तपस्या की है, साधना की है, तो हमारी अपनी साधना सार्थक बननी चाहिए। और अभी राजस्थानी भी ऐसे लोग जो धर्म कर्म करते हैं, साधु साधियों के आसपास में रहते हैं, जिन्होंने अच्छा प्रवचन सुन लिया है, जिन्होंने उसे आत्मसात कर लिया है, वे भी काफी सुधरते चले गए हैं। लेकिन जो बौंट हैं, जड़ हैं, मूर्ख हैं, जिन्हें पता नहीं है, जिनको साधु साधियों की बातों पर विश्वास नहीं है, जिनको महावीर की परंपरा पर विश्वास नहीं है, वे नाम के जैन हैं, काम के जैन नहीं है, इसलिए वे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मैं कहना चाहूंगा, चाहे शीतला सप्तमी हो, चाहे होली हो, चाहे ये सोने की सीढ़ी चढ़ानी हो, किसी भी जैन परंपरा में इस चीज का अनुगमन नहीं होना चाहिए। समझदार आदमी ये कतई ना करें, बिल्कुल ना करें, नेवर, न करना न करवाना। और कोई ऐसा करता हो तो उसके कार्यक्रम के अंदर सहभागी ना बनना, वहां ना जाना, वहां पर खड़े ना रहना, उस दिन का भोजन ना करना। कोई सोने की सीढ़ी चढ़ाने का आपके घर निमंत्रण आए तो फाड़ करके फेंक देना, जाना तो लकड़ी की सीढ़ियों पर है। जिस दिन जनाजा तैयार होगा उस दिन सोने की भी नहीं मिलेगी, चांदी की भी नहीं मिलेगी, ढूंढ के लाएंगे कहीं से लकड़ी की या कोई लोहे की सीढ़ी, उस पर चुला देंगे, उठा करके ले जाएंगे। यही हमारी जिंदगी की नियति है। लेकिन आप लोग धर्म के लिए नहीं, आत्मा के लिए नहीं, सत्य के लिए नहीं, परंपरा के लिए नहीं, संस्कृति के लिए नहीं जीते। आप लोग तो व्यवहार को निभाने के लिए जीते हो। आप लोगों के लिए व्यवहार प्रधानता है, आप लोगों के लिए वास्तविकता प्रधानता नहीं है। इसीलिए हर चीज का इतिहास पढ़ा जाना चाहिए। देखने लायक बात है, विश्व में कहीं पर भी भारत को छोड़कर के शीतला सप्तमी नहीं मनाई जाती। चेचक सबसे पहले वहीं से उठा, चेचक की रोकथाम भी सबसे पहले ब्रिटेन से हुई, उसके बाद में भारत से भी चेचक समाप्त हो गया, और तब भी शीतला सप्तमी जिंदी रही। अब कौन सी शीतला माता है, उसका क्या इतिहास है, कोई नहीं जानता, मनाने वाला नहीं जानता, ये हाथ में अनाज लेकर के कहानी कहने वाले भी नहीं जानते।